ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें कॉलम मैचेस करना है, तो दो कॉलम है, कॉलम वन है एंड कॉलम यहाँ पर टू है। सबसे फर्स्ट दे रखा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मायोफाइब्रिल। इनमें मायोफाइब्रिल की जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो कौन सी होती है, ये होगी सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, प्रोटीन ऑफ थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट अभी हमने देखा था, थिन फिलामेंट कौन सा होता है, एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट का प्रोटीन होता है। फिर है प्रोटीन ऑफ थिक फिलामेंट, तो थिक फिलामेंट का प्रोटीन होता है मायोसिन। फिर है द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट। अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में देखा था कि थिक फिलामेंट या ए बैंड, थिक फिलामेंट या ए बैंड का कौन सा पार्ट है जो आई बैंड से ओवरलैप नहीं है या फिर एक्टिन से ओवरलैप नहीं है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं, एच जोन। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हम हमारे ऑप्शन बना लेते हैं, ए बी सी डी। ए के आगे आ जाएगा 3, बी के आगे आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, एंड सी के आगे आ जाएगा 2 और डी के आगे आ जाएगा 1। ठीक है टीचर्स, तो हमारे पास जो ऑर्डर आया वो क्या आया, 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तो 1 2 3 4 दे रखा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर इन्होंने 1 3 2 4 दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर इन्होंने 1 4 3 2 दे रखा है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। देन 3 4 2 1, तो यही हमारा ऑर्डर है, देख लीजिए यही हमारा ऑर्डर है ना। तो हमारा डी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर टीचर्स करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अब क्वेश्चन की कैटेगरी कैसे देते हैं, क्योंकि टू स्टेप क्वेश्चन है तो इसको हम मीडियम कैटेगरी दे देते हैं।